का सम का प्रयोग होगा और का नहीं का प्रयोग होगा। जैसे मेरे का सम का प्रयोग का होगा अगर पॉजिटिव सेंटेंस भी होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सम का प्रयोग होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर फ्यूचर्स मार्क होगा, फ्यूचर्स पूछ रहे हैं तो एनी का प्रयोग होगा। और जैसे मेरा प्रश्न रह रहा है डू यू हैव खाली जगह मनी, यहाँ पे क्या आएगा डू यू फ्यूचर्स कर रहा है, फ्यूचर्स कर रहा है तो इसका आएगा एनी, मनी क्या क्या हो जाएगा एनी का प्रयोग। Do you have any money? In second case, you say yes, I have. खाली जगह मनी, यहाँ पे आएगा yes, यानी पॉजिटिव कह रहा है, पॉजिटिव कह रहा है, इसका मतलब क्या इसका प्रयोग होगा सम का, इसका प्रयोग होगा सम का। अब ये जैसे ये नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इसके अंदर जो नेगेटिव दे रखा है तो एनी का प्रयोग करना है, पॉजिटिव दे रखा है तो सम का प्रयोग होगा, और प्रश्नवाचक दे रखा है तो भी आपको एनी का प्रयोग होगा, या नेगेटिव दे रखा है तो यहाँ आएगा एनी। तो सेंटेंस देगा दो आई डोंट हैव एनी मनी, मतलब नेगेटिव वाक्य हो तो आपको एनी का प्रयोग करना और प्रश्नवाचक के लिए, और सम पॉजिटिव वाक्य देना होगा तब आपको सम का प्रयोग करना, तब आपको सम का प्रयोग करना, ये होता है सम और एनी के अंदर डिफरेंस।